ठीक है, एक साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर दूसरी साल भी आपने पास कर ली तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा। और तीन साल अगर आपने कर लिया और आप पास हो गए तीन साल में तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका कोई साल बेकार नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से आपको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ रही है तो आपको एक साल बाद सर्टिफिकेट मिलता, दूसरे साल में अगर आपने छोड़ दी है तो आपको डिप्लोमा मिलता, तीसरी साल अगर आपने कर लिया है तो आपको डिग्री मिल गई। अब आपको बताएं कि अगर आपको और आगे शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी, कितने साल की? चार साल। कितने साल की करना पड़ेगी? चार साल। और चार साल की डिग्री जब आप प्राप्त करेंगे तो वो आपकी डिग्री हो जाएगी ऑनर्स की। ठीक है, तो बीएससी, बीकॉम, बीए ये आपके चार साल की जब आप करेंगे तो आपको ऑनर्स डिग्री प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमएससी, एमकॉम ये कर सकते हैं। एक बात आप सभी को मैं बता दूं, बहुत संक्षेप में आपकी बात को रख रहा हूं आपके सामने। यदि आपने 75% मार्क्स संजीव बार 600 हो जाए अगर सिक्योर नहीं किए, घूम फिर के जाओ ऐसे कहां तक, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में, अगर आपके 75%